नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ परिवार में सुख शांति के उपाय। दोस्तों, शादी दो आत्माओं का मिलन है। इस पवित्र बंधन में स्त्री और पुरुष अपने अपने धर्म समाज को साक्षी मानकर जीवन भर साथ निभाने के लिए बनते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध ना केवल इन दोनों को दूर करता है, बल्कि ये परिवार से भी एक तरह से दूर हो जाते हैं और परिवार में भी एक दुखपूर्ण वातावरण छा जाता है। इन संसार में हर व्यक्ति की चाहत यही होती है कि वो दाम्पत्य जीवन को सफल बनाकर रखें, पति पत्नी के मध्य बहुत ही मधुर संबंध बने रहें और हर मनुष्य के घर में उस परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सौहार्द चिरकाल तक विद्यमान रहे। लेकिन आजकल की भागदौड़, गर्दिश प्रधा भरी जिंदगी में संबंधों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। परिवार बिखर रहे हैं और जो साथ भी है उनमें कहीं ना कहीं अहम का भाव हावी होता जा रहा है। घर में माता पिता बड़े बुजुर्गों को उचित मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है और यह सत्य है कि यदि पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं है, परिवार के सदस्यों में मतभेद कलह है, तो व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से अशांत ही रहेगा। पारिवारिक सुख के अभाव में उसका हर सुख अधूरा ही रहेगा। हम आज अपने वीडियो के जरिए आपको महत्वपूर्ण नियम उपाय बता रहे जिनका पालन करके आप अपने परिवार और दाम्पत्य जीवन में खुशियां अवश्य भर सकते हैं। ये इस प्रकार से हैं। कन्या के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विवाह के पश्चात जब कन्या की विदाई होने वाली हो तो किसी पीले रंग के धातु के लोटे में गंगा जल लेकर उसमें थोड़ी सी पीसी हल्दी मिलाएं, फिर एक तांबे का सिक्का उस लोटे में डालकर कन्या के ऊपर से 7 बार उतार कर उसके आगे गिरा दे। कन्या का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। यदि कन्या विवाह के 4 दिन पूर्व साबुत हल्दी के साथ गाठे, पीतल के 3 सिक्के, थोड़ा सा केसर, गुड़ और चने की दाल, इन सब को एक पीले वस्त्र में बांधकर अपनी ससुराल की दिशा में उछाल दे तो उसको अपने पति और ससुराल के अन्य सभी सदस्यों का सदैव भरपूर प्यार मिलेगा। यदि कोई कन्या विदाई के बाद अपने ससुराल में प्रवेश करने से पहले चुपचाप मेहंदी में मिले हुए साबुत उड़द गिरा दे और फिर प्रवेश करे तो उसका दाम्पत्य जीवन सदा सुखमय रहेगा। उसकी अपने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों से सदैव अच्छे संबंध बने रहेंगे और उनमें प्यार भी हमेशा रहेगा। एक मुट्ठी गुड़, एक मुट्ठी नमक डली वाला, एक मुट्ठी गेहूँ, 2 तांबे अथवा चांदी के सिक्के डालकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर में रखें तो उस घर में पति पत्नी या अन्य सदस्यों में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। इस उपाय को सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या रविवार को सूर्यास्त से पहले करें। घर में रोज या सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी का पोछा अवश्य लगाएं। यदि घर में पत्नी अपने हाथों में कम से कम 2 सोने की या पीली चूड़ियां पहने तो भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम और घर में सुख बना रहता है। जहां तक संभव हो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को घर का कोई भी सदस्य न तो नाखून बाल काटे और न ही सेव बनाए। इसके अतिरिक्त बृहस्पतिवार और शनिवार को घर में कपड़े भी ना धोएं, नहाते हुए सर को गीला ना करें और बालों में तेल भी कतई ना लगाएं। यदि व्यक्ति सुबह नाश्ते में पत्नी या माँ के द्वारा केसर मिश्रित दूध का सेवन करे और काम पर जाते समय नियम पूर्वक उनके हाथ से जबान पर केसर लगाए और थोड़ी सी चीनी खाए तो घर में सदैव सुख शांति और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। यदि घर में कलेश रहता है, घर के सदस्यों में मतभेद रहते हैं तो घर में आटा शनिवार को ही पिसवाएं या खरीदें। साथ ही 100 ग्राम पीसे काले चने भी ले जो उस आटे में मिला दे, जल्दी स्थिति में सुधार होते हुए देखेंगे। जब भी घर में खाने पीने की कोई वस्तु यानी मिठाई फल आदि आए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों को देकर ही पति पत्नी उस वस्तु का सेवन करें। यह बहुत ही चमत्कारी और परखा उपाय है। बुजुर्गों के आशीर्वाद और बच्चों की खुशियों से घर में सर्वत्र हर्ष शुभता का वातावरण बनेगा और उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। यदि घर में पति पत्नी में मतभेद होते हैं तो 11 गोमती चक्र को लाल रंग की सिंदूर की डब्बी में डाल करके अपने तिजोरी में अवश्य रख दें और उन्हें कभी भी छूने की कोशिश ना करें। ऐसा करने पर आप पति पत्नी के बीच में मधुरता बनी रहेगी और कलेश दूर हो जाएगा। यदि परिवार के सदस्यों में आए दिन झगड़े होते हों, परिवार में कलह हो तो परिवार का मुखिया रात्रि को अपने पलंग के नीचे एक लोटा जल रख दे और रविवार को छोड़कर सुबह स्नान, घर की पूजा के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए वह जल पीपल को चढ़ाए। इससे परिवार में कलह दूर होती है, घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनता है।
अपने घर में जूते चप्पल रखने का स्थान सुनिश्चित करें। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे रहते हैं तो घर में कलह होती है। घर के मुखिया को मानसिक तनाव बना रहता है। यदि किसी के घर में सदैव कलह बनी रहती हो तो घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर श्वेतार्क गणपति सफेद आग के गणेश जी का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करें। इसे लगाने से घर में शांति और सुख की वृद्धि होती है। जिस घर में रोटी बनाते समय तवा गर्म होने पर पहले उस पर ठंडे पानी के छींटे डालकर फिर रोटी बनाई जाती है उस घर में कलेश दूर दूर तक नहीं रहता। घर के सदस्यों के मध्य प्रेम भाव बना रहता है। यदि तमाम प्रयासों के बावजूद भी घर के सदस्यों के मध्य तालमेल का अभाव हो, घर में कलह रहती हो तो घर में निश्चित ही टूटा बर्तन, टूटा कांच, शीशी, पुराना टूटा जंग, खाया हुआ अनुपयोगी लोहा आदि होगा। उसे शीघ्र ही घर से बाहर करें। घर के सदस्यों के आपसी संबंधों में सुधार होने लगेंगे।